नहीं की। दूसरी तरफ कभी मोदी को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा। कभी ये है कि ये अब ये बाइडेन के फोन का इंतजार, ये है कि सारी दुनिया में नाराज होती है तो होती रही। बस ये है कि हमें अपना इक्तदार बचाने के लिए, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट, इक्तदार कायम रखने के लिए। उन्होंने, आपको याद है कि उन्होंने तो मोदी की फतह के लिए ये कि ख्वाहिशात का इजहार किया था कि मोदी अगर जीत जाए तो ये है कि कश्मीर के मसले के हल के लिए ये है कि वो मुफीद होगा, और जो उन्होंने हल पेश किया है वो आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने। 400 ड्रोन अटैक्स, 80,000 लोग मारे गए हैं, बदनामी। आप समझते हैं कि हम लोगों की क्या रेप्यूटेशन है? एक अमेरिकन, टोटल अमेरिकन पिट्ठू, वो कहता है मैं नहीं जाता अमेरिका के साथ, मैं पीस में हूं, मैं जंग में नहीं हूं। व्हाट्स रॉन्ग? ये क्या हम डिजीज लोग हो गए? हमारा दिमाग डिजीज है। भारत, भारत इसको क्यों नाकाम बनाना चाहता है? पहली बात तो यह कि भारत ने कहा था कि पाकिस्तान को हम दुनिया में डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देंगे, अकेला तन्हा कर देंगे, इनका कोई सुनने वाला नहीं होगा। जो हिंदुस्तान के जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो हमसे आज की डेट में बहुत ज़्यादा बेहतर है, ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच है। तो क्या वजह है कि इंडिया इतना आगे निकल गया और पाकिस्तान अभी स्टिल वर्किंग पे? आप देखें, आप हिंदुस्तान को, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान साथ थे तब भी उसे हिंदुस्तान कहा जाता है, उसे पाकिस्तान नहीं कहा जाता। उस पाकिस्तान की पहले आइडेंटिटी नहीं थी, पाकिस्तान की आइडेंटिटी खुद के 1947 में बनी है, तो इसीलिए दुनिया हिंदुस्तान। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भरपूर खुलेआम प्रशंसा की। पाकिस्तानी मीडिया में यह आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि आखिर इमरान खान के सोच में ऐसा यू टर्न अचानक क्यों आया। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इमरान खान भारत से किसी मदद की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन एक बात पाकिस्तानी मीडिया यह स्वीकार कर रहा है कि पाकिस्तान की पहचान भारत से ही है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परचर्चा आइए आगे सुने। इमरान खान साहब तो पहले जिस दिन 2018 का इलेक्शन हो रहे थे कह रहे थे नवाज शरीफ गद्दार है, मोदी का यार है, आज यहाँ पे नहीं की। दूसरी तरफ कभी मोदी को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा। कभी ये है कि ये अब ये बाइडेन के फोन का इंतजार, ये है कि सारी दुनिया में नाराज होती है तो होती रही। बस ये है कि हमें अपना इक्तदार बचाने के लिए, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट, इक्तदार कायम रखने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा हमें कि ये जो मगरब से इन्होंने हमारी लड़ाई करा दी है, आपके जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इसको कहा है कि किसी और अच्छे अंदाज से हो सकता था। आप इसको कैसे देखते हैं फॉरेन पॉलिसी फ्रंट में? क्या ये डोमेस्टिक फेलियर जो है, ये जो उनके हो चुके हैं, ये समझते हैं कि मैं अगर फॉरेन पॉलिसी में कोई इस तरह की बातें करूंगा तो मैं बच जाऊंगा? जरा इस पर काइंडली हमें बताइए। देखिए कंवर साहब, गुजारिश है कि इन्होंने कोई शोभा नहीं छोड़ा, कोई मैदान नहीं छोड़ा जिसने जिसमें उन्होंने यह है कि उसको मुकम्मल फेलियर यानी मुजाहरा नहीं किया। मईशत हो, मुल्क की मुआशरत हो, मुल्क के ये, 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 ये जो एक मॉरल फैब्रिक है उसको तबाह करने में, फॉरेन पॉलिसी को तबाह करने में, अपने इदारों को बदनाम करने में, यही थे इमरान खान साहब जिन्होंने ये कहा था कि ये जो थे अलकायदा के दहशतगर्द उनको ISI ने ट्रेनिंग दी, अंदाजा करें। फिर इन्होंने ये फरमाया कि ईरान के खिलाफ जो पाकिस्तानी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही। फिर इसी तरह के बेशुमार इन्होंने काम किए। देखें बात यह है कि इनको ना यूरोपियन यूनियन से कोई गरज है, ना इनको यह है कि बाहर के मुल्कों से कोई गरज है। ये मोदी के बारे में जिस तरह आपने जिक्र किया, देखें इन्होंने इन्होंने आपको याद है कि उन्होंने तो मोदी की फतह के लिए यह कि ख्वाहिशात का इजहार किया था कि मोदी अगर जीत जाए तो यह है कि कश्मीर के मसले के हल के लिए यह है कि वो मुफीद होगा, और जो उन्होंने हल पेश किया है वो आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने। 400 ड्रोन अटैक्स, 80,000 लोग मारे गए हैं, बदनामी। आप समझते हैं कि हम लोगों की क्या रेप्यूटेशन है? एक अमेरिकन, टोटल अमेरिकन पिट्ठू, वो कहता है मैं नहीं जाता अमेरिका के साथ, मैं पीस में हूं, मैं जंग में नहीं हूं। व्हाट्स रॉन्ग? ये क्या हम डिजीज लोग हो गए? हमारा दिमाग डिजीज है? क्या हो गया ये मुल्क को? हम तो बगैर पूछे अमेरिकन बन गए। ठीक, इस प्रोग्राम में हम दिखा रहे हैं वो चीजें जो मैं तो समझता हूँ आई एम शॉक्ड। और दूसरी बात, आपका मौकिफ भी तो जा रहा है ना इस प्रोग्राम में, तो बिल्कुल हम दोनों तरह का मौकिफ की बात कर रहे हैं ना। आप भी तो बड़ा क्लियरली अपना पॉइंट।
आपने सोचा नहीं कि आपके मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं। ये आपको मोहब्बत है अपने मुल्क से, यह आपको सोच है, या आपके अंदर ये ख्यालात हैं जो मुल्क के बारे में होने चाहिए। इंतहाई अफसोस और दुख की बात है। अब देखिए, भारत इसको क्यों नाकाम बनाना चाहता है? पहली बात तो यह कि भारत ने कहा था कि पाकिस्तान को हम दुनिया में डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देंगे, अकेला तन्हा कर देंगे, इनका कोई सुनने वाला नहीं होगा। जो हिंदुस्तान के जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो हमसे आज की डेट में बहुत ज़्यादा बेहतर है, ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच है। तो क्या वजह है कि इंडिया इतना आगे निकल गया और पाकिस्तान अभी स्टिल वर्किंग पे? आप देखें, आप हिंदुस्तान को, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान साथ थे तब भी उसे हिंदुस्तान कहा जाता है, उसे पाकिस्तान नहीं कहा जाता। उस पाकिस्तान की पहले आइडेंटिटी नहीं थी, पाकिस्तान की आइडेंटिटी खुद के 1947 में बनी है। तो इसीलिए दुनिया हिंदुस्तान को कहते रहे, आज उनके दाएं बाएं हैं, जिनको ये है कि जिनको दहशतगर्द मुल्क दुश्मन कहते थे एमकेएम वाले, अब उनके ये है कि उनके सबसे नफीस तरीन मेंबर है कैबिनेट के बगौर उनके। इसी तरह बेशुमार लोग आजाद मुल्क बोले हमारे अरकान जो थे उनके बारे भी उनके इरशादात आपको याद है। तो बात यह है कि हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए और हुकूमत बचाने के लिए ये वो कोई भी ये है कि स्टेप कर ले सकते हैं, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ये है कि उनके नजदीक ना को अखलाकी कदरों की कोई अहमियत है, ना को किसी असूल और जाब्ते की अहमियत है, ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके नजदीक को हम है। असल बात यह है कि किसी तरह से उनका इक्तदार कायम रहे। तो बस ये कि ये बड़ी मुल्क की बदकिस्मती है कि मुल्क जो है ये इस तरह के, इन तरह के ये लोग जो है इस तरह के खिलाड़ियों और अनाड़ियों के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने एक हंसता बसता चमन जो उजाड़ के रख दिया। डॉक्टर साहब, दुख की बात यह है कि जब पाकिस्तान एक ऐसे बाइज्जत मकाम की तरफ रवा दवा नजर आता है, उस वक्त आपकी अपनी ही आस्तीनों में छुपे सांप इन चीजों को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फैन के ऊपर हमें हमेशा हमेशा अपने हजार इख्तलाफात के बावजूद अपनी सोच को पाकिस्तानी रखना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को पॉजिटिवली लूंगा, क्योंकि इंडिया की वाकई फॉरेन पॉलिसी हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है और इंडिया के सारे जितने भी ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, उधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, साथ साथ वो अपनी इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा स्टेबल रखा हुआ है। इसी वजह से कि उधर इंडिया में रशिया की और अमेरिका की, सऊदीया की, सब की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। हमारे मुल्क में इस वक्त आप देख लें कि मुल्क के हालात क्या हैं, डॉलर किधर चला गया है और कोई इन्वेस्टमेंट इस वक्त नहीं आ रही। जो चाइना हमारा दोस्त था जो सी पैक में था, वो भी थोड़ा सा इस वक्त प्रोजेक्ट्स के अंदर स्लो हो चुका है। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए और इमरान खान सही कह रहा है बिल्कुल कि हमें अपने जो ताल्लुकात हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो बहुत ज़्यादा मजीद और स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, ताकि हम भी आने वाले वक्त में जो अपने मुल्क को स्टेबल कर सके, इकॉनमी को स्टेबल कर सके और हमारे मुल्क में डॉलर आए, इन्वेस्टमेंट आए। मैं जनाब उनके स्टेटमेंट से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, क्योंकि भारत वाकई हमसे हर महाज पे आगे है और सफारती लिहाज में भी, क्योंकि मैं बाहर भी रहा हूँ, तो जो इंडियंस हैं वो लाजमी पाकिस्तानियों से ऊपर है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको अगर और चीज़ों में फॉलो करते हैं तो इस चीज़ में भी फॉलो करें। पाकिस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में एक ऐसे देश के रूप में है जो आतंकियों को संरक्षण और समर्थन देता है। इस बात का इशारा परसों जब जापान और भारत का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें भी दिया गया, जिसमें पाकिस्तान को यह कहा गया कि पाकिस्तान अपने यहाँ जो आतंकी बैठे हुए हैं उनका समर्थन देना बंद करे तथा जो आतंकी बम्बई हमले में मुलव्वस थे उन पर वह कार्रवाई करे और उन्हें दंडित करे। यह घोषणा पत्र जब जापान के प्रधानमंत्री भारत का दौरा किए थे तो उनके दौरे के समाप्ति के बाद दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान इसी आतंकियों के संरक्षण और समर्थन के कारण FATF के ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है। पाकिस्तान के पासपोर्ट का कहीं इज्जत नहीं है और पाकिस्तानी जब कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए या अपना जेब मिटाने के लिए वे पाकिस्तानी न कहकर भारतीय कहकर अपने को संबोधित करते हैं। हालांकि पाकिस्तान अपनी इस आतंकी छवि को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण और FATF के निगरानी के कारण बहुत प्रयास किया, उसमें
बहुत आंशिक सफलता भी मिली, लेकिन इसके बाद वह तालिबानियों का खुलेआम समर्थन शुरू किया, तो जो वह अपनी छवि दागदार थी उसे बेदाग करना चाहता था फिर से दागदार की दागदार हो गई, और उल्टे अमेरिका सहित पश्चिमी देश तालिबानियों के समर्थन के कारण नाराज हो गए और तालिबानी भी अब उल्टे पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान का जीना हराम कर दिए हैं। खैर, यह तो पाकिस्तान के अपने अंदरूनी और उसके विदेश नीति का कमाल है या फेलुअर है, यह तो पाकिस्तान जाने। लेकिन इतना बताते चले कि इमरान खान ने कल खुलेआम जो भारत की प्रशंसा की है, लगता है कि अब इमरान खान की कुर्सी जाने लगी है, तो जाते वक्त में सत्य याद आ जाता है और उन्हें यह जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने यह हिदायत दिया था या सलाह दिया था कि भारत के साथ व्यापार शुरू करें, भारत के साथ अच्छे संबंध पाकिस्तान शुरू करें, तभी पाकिस्तान की भलाई है, पाकिस्तान का आने वाले दिनों में भला हो सकता है। लेकिन उस समय इमरान खान ने जिद के कारण इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन शायद स्वीकार कर ले, और यह भारत चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों। एक ही शर्त है भारत की जो हमेशा से रही है कि पाकिस्तान भारत में आतंकियों को भेजना, संरक्षण समर्थन देना बंद करे। ऐसा होता है या नहीं होता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।